दिग्रस शहर में रविवार को पार्क मंत्री संजय राठौड़ ने मुस्लिम कब्रिस्तान की 2 एकड़ 7 घंटे की नई जमीन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समाज हित की राजनीति, विकास और विवादित बयानों पर अपने विचार साझा किए हैं। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। रविवार को दिग्रस शहर के मेमन जमात खाना में मुस्लिम बिरादरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पालक मंत्री संजय राठौड़ ने शिरकत की। उनके आगमन पर आयोजकों और मान्यवर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बरसों से अधर में लटके मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए आरक्षित 2 एकड़ 7 घंटे वाली नई जमीन के लोकार्पण कार्यक्रम में पालक मंत्री संजय राठौड़ ने कब्रिस्तान की नई जमीन के लोकार्पण के साथ ही बाकी बची जमीन भी मुस्लिम समाज को दिलाने का वादा किया है। तो फिर कब्रिस्तान की जगह नगर परिषद के माध्यम से हमारे मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए, इसके लिए पूरी प्रोसेस यहाँ पे शुरू की और आज उसको अपने सही तरीके से हमें उसका जगह का ताबा मिला है। अभी कल से आप उसका यूज कर सकते हैं, आपकी जगह हुई है, आप कंपाउंड के भी पैसे मैं अभी मंजूर कर रहा हूँ। पर कंपाउंड होते रहेगा, उसका टेंडर निकलते रहेगा, कंपाउंड होते रहेगा, पर आप अभी जगह यूज कर सकते हो। अब रही बाकी की जो जगह बची है उसका भी थोड़ा सा प्रोसेस है, वो भी अपन पूरा करके पूरी 4 एकड़ जगह मेरे ख्याल से दुबे जी की है, बाकी की भी जगह वो भी अपन करने वाले हैं। इस मौके पर पालक मंत्री संजय राठौड़ ने नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं सहित रामगिरी महाराज की अभद्र टिप्पणी का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ये सारी हरकतें राजनीतिक स्वार्थ के लिए की जाती है, जबकि मैंने हमेशा जनहित और जनसेवा के लक्ष्य को सामने रखकर राजनीति की है। राजनीति का असल उद्देश्य ही जात पात से परे उठकर सभी लोगों के काम आना है, इस आशय का मौलिक संदेश भी उन्होंने दिया। यही बताऊंगा कि इसमें आप बीच में जो यूपी से एक बयान आता, बीच में यहाँ पे भी एक हमारे महाराज ने कुछ बोल दिया था, फिर उसमें नारायण राणे के चिरंजीव बच्चे ने कुछ बोल दिया था। मैं आप सबको बताता हूँ कि ऐसा बोल के कुछ तो भी हलचल मचा देना, समाज में कुछ ये हो जाए और उसका फायदा पैसा लेना, ऐसा उनका प्रयास रहता है। और आप देखो कि इसमें जैसे हमारे घर के पुढ़ारी आपको बोलते हैं कि मोर्चा निकालो, पर मोर्चा में खुद आगे पीछे नहीं करते, छुप के पीछे से रहते, तुम्हारे को बोलते हैं कि तुम बोल करो मोर्चा निकालो, खुद आगे आओ करके बोले तो फिर बोलते नहीं, एक बयान आप भी करो बोले तो नहीं करते। तो ऐसी राजनीति सब चलती है, मैं इसको मानता नहीं। मैं तो सही में आप सभी को यही बताऊंगा कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं कि मानव सेवा मेरे हाथ से हो जाना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि आज भी वो कौन सा धर्म का है, कौन से जात का है, उससे भी वो आदमी है, उसका खून और मेरा खून एक है, मुझे कुछ हो जाए तो उसका खून मुझे चल सकता है, मेरे को कुछ हो जाए तो उसका फोन मुझे चल सकता है, उसको कुछ हो जाए तो मेरे। पालक मंत्री संजय राठौड़ ने आगे कहा कि जब कोई विवाद होता है तब कुछ नेता खुद सुरक्षित रहकर समाज को मोर्चे निकालने के लिए उकसाते हैं और विरोध प्रदर्शन में समाज को झोंकने का काम करते हैं, जबकि उन्हें खुद मोर्चे में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो सामने नहीं आते क्योंकि वे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हासिल करना जानते हैं। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो जो काम हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे बताएंगे, आप ऊपर का राजनीति का आप सोचो मत, संजय राठौड़ तुम्हारा है और आपको भरोसा मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए आधी रात के लिए संजय राठौड़ को आवाज आप दीजिए, संजय राठौड़ आपके लिए तैयार रहेगा, ये मेरा भरोसा आप रखिए और मुझे सपोर्ट दीजिए। इतना ही बोल के मेरे पास खत्म करता हूँ, धन्यवाद। ऐसा लगना बेहद स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव सर पर होने से पालक मंत्री संजय राठौड़ मुस्लिम समाज की भावनाओं का खास ख्याल रख रहे हैं, उन्हें हर संभव मदद देने की बात कह रहे हैं। हालांकि उनके इस राजनीतिक तेवर के साथ ही बीते 20 सालों से राजनीति में उनके द्वारा लिए गए फैसले और किए गए विकास कार्यों की समीक्षा और आलोचना हो सकती है और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ
ये बात भी काबिले तारीफ है कि कभी आक्रामक नेता की छवि होने के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म या समाज के खिलाफ न तो कोई आक्रामक टिप्पणी की, न ही किसी समाज विशेष के कामों को नज़रअंदाज किया है। और उनके व्यक्तित्व का यही पहलू उन्हें जनता को साथ जोड़े रखने में कारगर साबित होता आ रहा है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।